हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सी के यादव, आपका प्यारा मित्र, आप सबके लिए लेकर आया हूँ आज अ लेटर टू गॉड का लेंचोज स्टोरीज, जो आपके जी एल फ्यूंस के द्वारा लिखा गया। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि लेंचोज स्टोरी में हम लेंचो की पूरी स्टोरी देखेंगे कि कहाँ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी या कौन कौन सी बातें घटी थी जो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं। और इस सेशन के बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लेंचो की स्टोरी। हर एक चैप्टर का स्टोरी पढ़ने के बाद ही हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं लेंचो स्टोरी में, लेंचो की स्टोरी में क्या क्या घटनाएँ घटी थी, क्या क्या बातें हुई थी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हम बता दें कि लेंचो की स्टोरी में, लेंचो की जो स्टोरी में है ना बेटा, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक ढलुए पहाड़ पर, ठीक है, एक ढलुए पहाड़ पर एक इकलौता घर था। क्या था बेटा? घर था। ज़रा ध्यान से समझना, ढलुए पहाड़ी पर क्या था? इकलौता घर था। और इस घर की ऊंचाई पर से पके फसलों की खेती, ठीक है, पके फसलों की खेती और नदियों का पानी और उन पके फसलों पर लदे हुए फूल दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, क्या क्या दिखाई पड़ रहे थे? उस घर की ऊंचाई से एक घर, जो उस पूरी घाटी में, ये पूरी संपूर्ण घाटी हो गई, इस पूरी घाटी में एक अकेला घर था जहाँ से कुछ फल, सॉरी, कुछ पके फसलों की खेती और नदियाँ दिखाई दे रही थी और पके फसलों की खेती में फूल आ चुके थे। ये जो खेत था ना बेटा, वास्तव में ज़रा समझना, यह जो फील्ड था, जो यह खेत था, यह वास्तव में किससे संबंधित था बेटा? लेंचो से संबंधित था। किससे संबंधित था? लेंचो से। लेंचो का जो यह खेत था, लेंचो अपने खेत को बहुत ही बारीकी से, अच्छे तरीके से जानता था कि यह उसका खेत है। ठीक है, यह मान लो हमारा लेंचो हो गया। ठीक है, लेंचो जो अपने खेत को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, उसने अपने खेत को, यह जानता था वह अपने खेत के बारे में कि उस खेत को पानी की आवश्यकता है या हल्की फुल्की बूंदाबांदी की आवश्यकता है ताकि उसके फसल पूरी तरीके से पक सके, उस पर बीज लग सके या उस फसल को पकने में सहायता दे, इसलिए उसे खेतों को हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश की आवश्यकता थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उसके पास, उसके खेतों को थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश की आवश्यकता थी, तो लेंचो ने ऐसा कोई काम नहीं किया। वह सिर्फ उत्तर पूर्व आकाश की ओर, मतलब समझ करिए, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गया, तो ये दक्षिण हो गई। तो यही उत्तर पूर्व आकाश की ओर, अर्थात इस दिशा में वह देखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। वह सिर्फ उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखता ही रहा। फिर वह जब खेत से लौटा तो अपनी पत्नी से बोला कि शायद अब हमें पानी मिलने वाला है, क्योंकि उत्तर पूर्व आसमान से बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ उसके खेत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो जैसा कि उसकी पत्नी जो रात का खाना बना रही थी, उसने कहा हाँ, यदि भगवान की इच्छा रही तो हमें पानी अवश्य ही मिलेगा। फिर जब डिनर बन जाता है तो उसकी पत्नी घर के पास खेल रहे बच्चे को बुलाती है, घर के पास मतलब ये उसका घर हो गया, घर के पास खेल रहे बच्चे को बुलाती है और एक जो बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा होता है लेंचो के साथ, उसे वो बुलाती है कि रात्रि के भोजन के लिए आओ। जैसे ही सभी लोग बैठ करके रात्रि का भोजन करना प्रारंभ करते हैं बेटा, रात्रि का भोजन करना जैसे ही प्रारंभ करते हैं, तभी क्या होता है बेटा, सडनली, जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, प्रेडिक्शन दिया था, भविष्यवाणी किया था, लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी कि हमें बारिश होगी, तुरंत ही बरसात होना शुरू हो जाता है, बारिश होना प्रारंभ हो जाता है। और बारिश के प्रारंभ होते ही लेंचो कहता है कि वास्तव में यह कोई बरसात की बूंदी नहीं है, और इस बारिश को अनुभव लेने के लिए वह अपने घर से बाहर निकल आता है। और वह जब घर से बाहर निकल कर आता है तो उस भारी बारिश का आनंद लेता है और आनंद लेने के बाद अपने घर में फिर से वापस चला जाता है। जब वह अपने घर में फिर से वापस जाता है, ठीक है, अपने घर में जब वह फिर से वापस चला जाता है, तो घर में वापस जाने के ठीक बाद, लेंचो अपने घर में जब वापस जाता है तो अपने घर में वापस जाने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने खेतों के बारे में याद करते हुए कहता है कि वास्तव में यह जो बरसात हो रही है ना, यह वास्तव में कोई बारिश
नहीं है, अपितु जो यह बरसात हो रही है, यह हमारी जो वह खेत है, जो हमारी पके फसलों की खेत है, वह उसके लिए जो छोटी बूंद है वह 5 सिक्कों के पैसे हैं और जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट के पैसे हैं। अर्थात बड़ी बूंदें 5 सिक्के और बड़ी बूंदें 10 सिक्के और छोटी बूंदें 5 सिक्के, अर्थात 10 पोसेज और 5 पोसेज। जो छोटी बूंदी थी उसकी तुलना किसी की बेटा 5 सेंट से, और जो बड़ी बूंदी थी उसकी तुलना 10 सेंट से। ठीक है, फिर कुछ टाइम तक बारिश हुआ। बारिश होने के बाद अचानक से हवा बहना प्रारंभ हो गई, उत्तर पूरब की तरफ से हवा भी बहना प्रारंभ हो गई। जब तेज़ गति से हवा बहना शुरू हुई तो हवा के साथ साथ बर्फ़ गिरना प्रारंभ हो गए, ओले पड़ना प्रारंभ हो गए, बर्फ़ गिरना प्रारंभ हो गए। जब बर्फ़ गिरने लगा तो लिंचों को लगा कि शायद अब यह कुछ थोड़ा सा चल रहा है, कुछ समय बाद यह बीत जाएगा। लेकिन लिंचों ने जैसा सोचा था कि इट डिड पास क्विकली, कि वह शीघ्रता से बीत जाएगा, लेकिन बर्फ़बारी शीघ्रता से नहीं बीती। बर्फ़बारी जो थी वह लगभग सभी जगह पर एक समान होती रही। जो उसके लड़के थे वह अपने आप को बाहर निकाले घरों से, उस छोटे छोटे पीएल्स को, स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए, और लिंचों उन्हें पीएल्स को, उन्हें स्टोन को कहता है कि यह वास्तव में कोई बर्फ़ का टुकड़ा नहीं, वास्तव में यह सिल्वर क्वाइंस हैं, चांदी के सिक्के हैं। अब जब बर्फबारी आधे घंटे तक भी नहीं बीतती, लगभग 1 घंटे तक पूरे घर पे, पूरे घाटी में, पूरे उस खेत पे बारिश होती रहती है, तो लिंचो अब उसके बारे में चिंतित हो जाता है। और जब वह गुजर जाता है लगभग 1 घंटे के बाद, तब वह अपने खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा होता है और पाता है कि उसके पूरी जो खेत है वह सफ़ेद पड़ चुकी है। ऐसा लग रहा था कि किसी नमक ने उसे ढक लिया हो। तो वहीं खेत के बीच में खड़ा होकर के लिंचो अपने पुत्र से कहता है कि इससे अच्छा अगर टिड्डी आए होते, टिड्डियों का अगर झुंड अटैक किया होता, तो भी शायद क्या होता बेटा, उसके खेतों की काफ़ी चीज़ें बच जाती। अर्थात उसके खेत जो थे ना, खेत के काफ़ी पार्ट्स क्या हो जाते बेटा, बच जाते, अर्थात उसकी पूरी तरीके से खेत की फसल नष्ट नहीं हो पाती। तो इसे हम फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसकी खेत पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत बच जाती तो टिड्डियाँ छोड़ देती, तो उससे वो अपना गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन इन बर्फबारियों ने थोड़ा सा भी उसके खेत को नहीं छोड़ा, अर्थात पूरी तरीके से उसके खेत को डिस्ट्रॉयड कर दिया। अब लिंचो भाई हो गया परेशान कि अब पूरे साल भर तक का जो फसल था वो बर्बाद हो गया, अब हम कैसे खाएंगे, जिएंगे, किस तरीके से रहेंगे। तो लिंचो को एक बात बुजुर्गों द्वारा कही हुई याद थी कि कोई भी व्यक्ति संसार में भूखा नहीं मरता, एक भगवान नाम का व्यक्ति ऐसा ज़रूर है जो सभी को जीवित रखता है और उसकी मदद करता है। तो लिंचो के दिमाग में यह पूरी रात यह बात चलती रही, और लिंचो सोचता है कि क्यों ना मैं भी उस गॉड के नाम पर एक पत्र लिखूं और अपने इस समस्या के बारे में बताऊं, ताकि वह मेरे समस्या का समाधान कर सके। तो लिंचो सोचता है कि मैं इस पत्र को लिखूंगा और इस समस्या का समाधान गॉड से मांगूंगा। तो वह फॉलोइंग संडे, अगले संडे को एट द डे ब्रेक, दिन की छुट्टी रहती है, कह रहता है बेटा डे ब्रेक रहता है, दिन की छुट्टी। तो वह दिन की छुट्टी के समय क्या करता है, चल देता है सीधा पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जा कर के एक पत्र लिखे रहता है, उस पोस्ट ऑफिस में उसे स्टाम्प लगाता है और उसे वहीं पर मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स में जब डाल करके वह वापस आता है तो जो वहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ था वह उसे खुद देखता है और देख करके उस पत्र को हंसने लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने जीवन में भगवान के नाम का पत्र नहीं देखा था। अर्थात उसके लाइफ में पहली बार ऐसा था कि उसने भगवान के नाम के पत्र को देखा। और वह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पूरे हार्टली से क्या होता है, सीधे अपने एक बड़े ऑफिसर के पास चला जाता है जो एक अंग्रेज व्यक्ति था और थोड़ा सा छोटा कद में, छोटा, थोड़ा सा भद्दा दिखने वाला व्यक्ति था। वह उसे देखता है, वह भी हंसने लगता है कि ऐसी पता मैंने पहली बार देखा है। तो भगवान के नाम का पत्र वह देखता है, पहले हंसता है, लेकिन फिर उसके बाद शीघ्र ही वह क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, चुप हो जाता है और गंभीर हो जाता है। और जैसे ही गंभीर हो जाता है, गंभीर होने के बाद वह सोचता है कि व्हाट अ फेथ, कितनी सहानुभूति है भगवान में इसकी, अर्थात इस लिंचो की भगवान में कितनी सहानुभूति है, जिसने भगवान के नाम पर करेस्पोंडेंस प्रारंभ किया, पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। सोचता है कि क्यों ना ऐसा करें कि इसके पत्र व्यवहार को समाप्त ना होने दें और भगवान के इस
के द्वारा जो इसका अटल विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखा जाए। तो जो पोस्टमास्टर रहता है वह सोचता है कि हमें इस पत्र का उत्तर देना चाहिए। तो जब उस लेटर को खोला जाता है तो लेटर को खोला जाने के बाद वह पाते हैं कि वास्तव में उस लेटर में पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं बल्कि कुछ पैसों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी वह जो पोस्टमास्टर था बेटा ना, वह किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटा। वह उसके इस पत्र का जवाब देने के लिए फिर भी तत्पर रहा। उसने अपने सैलरी का कुछ भाग दिया, अपने सगे संबंधियों से कुछ एज ए चैरिटी के रूप में, दान के रूप में पैसों के लिए बोला, और अपने सगे संबंधी जो उसके एम्प्लॉयज़ थे उन सब से भी उसने थोड़े बहुत चैरिटी के रूप में पैसे लिए और कुल मिलाकर के आधे से कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लिए। आधे ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने के बाद बेटा वह फिर से उस एक एनवलप लिखता है, लेता है और उस एनवलप में पैसे भरता है। पैसे भरने के बाद उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखता है, फ्रॉम गॉड, भगवान से। तो उसके बाद वो फिर से मेल बॉक्स में डाल देता है। रोज़ाना की तरह अगले दिन लेंचो आता है और पूछता है कि क्या उसके नाम से कोई पत्र है। तो उसे वह पत्र देता है खुद पोस्टमास्टर, और उसे दे करके जैसे ही उसे खोलता है उसे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता। जब उसे वो ओपन करता है पत्र लेने के बाद, तो वह देखता है कि जब उसे काउंट करता है तो वहाँ सिर्फ 70 ही पैसे होते हैं और बाकी के 30 पैसे नहीं होते। तो जब 30 पैसे बेटा नहीं होते ना, 70 पैसे होते हैं, 30 पैसे नहीं होते। इस चीज़ को देख करके लेंचो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होने के कारण लेंचो यह सोचता है कि यह जो 30 पैसे कम हैं या वास्तव में इन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही चुराए होंगे। तो वह फिर से भगवान के नाम एक पत्र लिखना प्रारंभ करता है और कहता है कि भगवान मेरे बचे हुए रेस्ट पैसे जल्द से जल्द भेज दीजिए ताकि मैं अपने खेतों की फिर से बुआई कर सकूं, और तब तक मैं जीवन यापन कर सकूं जब तक मेरी फसल फिर से ना आ जाए। और यह लिखने के बाद वह अंत में लिखता है कि भगवान मुझे यह पैसे अब की बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वह वास्तव में बंच ऑफ क्रुक्स हैं, चापलूसों के गुच्छे हैं, वह मेरे पैसे को चुरा लिए हैं। इस बार आप मुझे पैसे बैंक पोस्टमास्टर के थ्रू या पोस्टमैन के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। बस ये किसी के साथ वह स्टाम्प लेता है, अपने थूक लगाता है, चिपकाता है और उसे चिपका करके फिर से वहीं रख देता है, और फिर वह पोस्टमैन उसे खोलता है और देख करके काफ़ी निराश होता है। बस इतनी कहानी है लेंचोज स्टोरी में। आपका मेन पार्ट की अगर बात करें तो लेंचो की स्टोरी में बेटा मेन पार्ट आपके दो ही हैं। आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है लेंचोज कैरेक्टर स्केच, और सबसे इम्पोर्टेंट बात दूसरा क्वेश्चन बनता है पोस्टमास्टर कैरेक्टर स्केच। यह क्वेश्चन हर साल आता है, पोस्टमास्टर कैरेक्टर स्केच, ठीक है। तो पोस्टमास्टर कैरेक्टर स्केच और लेंचोज कैरेक्टर स्केच, यह दोनों आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना और प्रयास करना कि सभी चीज़ें आसानी से हो जाएं। और इसे अच्छे से तैयार करने के बाद आप लोग इसे रिपीट कर लेना, दोहरा लेना, ताकि आपको बोर्ड में यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि स्टोरी अगर आपको याद रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली इसे आसानी से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आप देख रहे थे अभी तक लाबिम्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी हम लोग शुरू करने जाने वाले हैं YouTube पर पहली बार, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। YouTube पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है बेटा कि हम क्लास 10 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे। क्लास 10 और क्लास 12 का क्या चलेगा बेटा, क्वेश्चन एंड आंसर चलेगा। और आप यह सब देखेंगे सीके यादव सर के साथ। किसके साथ? सीके यादव सर के साथ। सीके यादव आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें कौन कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, किस तरीके से कितने क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहले हम लोग पहले क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपके अपने प्यारे मित्र सीके यादव के साथ। YouTube पर पहली बार जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसे अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे, और लास्ट में एग्ज़ाम से ठीक एक हफ्ते पहले हम लोग अटेंड करेंगे प्रैक्टिस सेट।
प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपका क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस सेट आपको यह बताता है कि हाँ किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आएगा। तो हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं आपका प्यारा दोस्त सीके यादव, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।